इस मृत्यु संसार में जो हमें धारण करने वाली वो धारिणी पूरिणी तारिणी माँ जगदम्बा का ध्यान करें। जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी हासरते शिखिर शीलु मणि तुंग हिमालय श्रृंग निजा लय मात्र भवंजिनी रासरते तेजे ही महिषासुर रम्यक परगणि शेर सुते रम्यक परगणि शेर सुते पर हाँ वो एक सच्चिदानंदात्मक चिदात्मक शक्ति थी और इस सृष्टि के पश्चात बाकी कुछ भी ना रहे पर एक शक्ति जो निरंतर रहेगी उसी शक्ति का आलय करुणालय मां भगवती जगदम्बा का ध्यान करें। जो सूर ललना सूर यानी देवता जिस भी हम दैवी प्रवृत्ति को धारण किए हैं भगवान भगवत गीता में दैवासुर संपत्ति बताते हैं ना कि क्या दैव की संपत्ति है और क्या आसुरों की संपत्ति है। क्रोध माया मोह ये सारे दैव दैत्यों की संपत्ति और देवताओं की संपत्ति करुणा ममता उदारता ऐसे विशेष सुर यानी देव संपत्ति के लालन करने हेतु हे भगवती हमारे हृदय में आप प्रकट हो जाइए। सुर ललना तत्कीत कृता भिनयो दर नृत्य रती गणदारी कताल कताल कुतु हलगान मृदंगणी नादरती
पदार्थों में छिपी उस पदार्थों का गुणधर्म ही आप हो। इस उपकरण के मध्य में जो ध्वनि है वे ध्वनि भी आप हो। हे मां जगदम्बा, जो नास्तिक भी हो ना, जो ना देवताओं को माने, ना राम को माने, ना कृष्ण को माने, ऐसे हर किसी व्यक्ति को शक्ति को तो मानना ही पड़ता है। ऐसी परम सत्ताधारी शक्ति, उसी शक्ति की उपासना आइए सब मिलके इस मंगलाचरण के द्वारा करें। जय जय जप जय जय शब्द पर स्तुति तत्पर विश्वनुति बड़ बजाओगे तो मुझे भी ऐसे ही गाना पड़ेगा। कोई डर आएगा नहीं ना, तो जितनी उत्साह के साथ आप ताली बजाएंगे उतनी उत्साह के साथ हम सब मिलकर गाएंगे, ठीक है? तो पहले ताली आपको बजाना पड़ेगा, फिर शुरुआत होगी। Thank you.
बोल जगदम्बा मात की जय हो, जगदम्बा माता की जय। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईश आनंदिवल्लभम माधुर्य सकल्लोला शिवशक्ति गुरुमणिम अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेश नंदिनी। यह उपस्थित आप सब, आपको प्रणाम करते हुए आइए आज इस विशेष सत्र की ओर हम बढ़ें। विशेष इसलिए है कि अक्सर हम कहते रहते हैं कि कथा जितनी धार्मिक होती है उसे कई ज़्यादा अच्छा है वो आध्यात्मिक हो, यानी लोगों तक पहुँचे कि कथा केवल पुराणों में घटित कोई घटना नहीं है। हम अपने नित्य जीवन को अगर कथा को ठीक से समझे और अपने अपने जीवन में जब जब संकट आए तब तब इन महापुरुषों का व्यवहार कैसा था ये देखकर हम अपने जीवन के व्यवहार को सुधारते हैं, तो कहते हैं ना जिसने अपना जीवन सुधारा उसका अंत तो गतवा, यानी आगे का हम सब ये कर किसके रहे हैं। अगर आप अध्यात्म के गुढ़त्व को समझना चाहते हैं और पूछ रहा किसी को ये सब किस लिए हो रहा है, तो वो कहेंगे भाई मेरा अंतिम क्षण अच्छा हो इसलिए हो रहा है। कुछ भी जो कोई भी आपकी क्रिया हो वो क्रिया के पीछे कारण तो एक ही है कि मेरा जब मैं मरूं या फिर इस दुनिया से प्रस्थान करूं तो मेरा वो आने वाला क्षण आगे का क्षण अच्छा हो। क्या इतने सहज अंतिम क्षण अच्छा हो सकता है क्या? एक बात तो निहित है, अगर हमारे जीवन में एक क्षण भी बिगड़ता है, एक क्षण, इसलिए लोगों ने कहा जीवन क्षण भंगुर है। अच्छा हम मानते हैं, पर कम से कम उस क्षण को तो साधो। कितने सारे जेलों में हम प्रवचन आदि करने के लिए कुछ ऐसे टॉक देने के लिए गए, हालांकि जब जब मैं गई और जिन जिन लोगों को पूछा तो उन्होंने एक ही कहा, बस एक क्षण था वो जीवन का। क्रोध के आवेग को, मत्सर के आवेग को, ईर्ष्या के आवेग को नहीं संभाल पाई, वो एक ही क्षण था। अगर बस वो क्षण को संभाल लेते हो सकता है हम यहाँ नहीं होते। बस एक क्षण, एक क्षण बिगड़ गया पूरा दिन बिगड़ गया, एक दिन बिगड़ा पूरा, आप जानते हो, आप अच्छे जानकार हो, मुझे क्या कहना है आप पकड़ लेते हो, समझ गए ना? हाँ बोलो नहीं तो ना बोलो, पर कुछ तो बोलना पड़ेगा। अच्छा ये हाँ है, ये ना है, ये क्या है? समझ गए। मेरी मैया मुझे बख्श दो। सियावर प्रभु रामचंद्र भगवान की। चलो इसी बहाने से कम हम मुस्कुराए तो सही। जीवन में सदा मुस्कुराते रहो, मुस्कुराना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी जियो तो इस अंदाज से जियो कि आपको देख कर लगे जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तो अगर इस जीवन को हम सुंदर बनाना, अच्छा एक मिनट जरा जोर से तो बजाओ, कम से कम जो सोया है वो जाग तो जाए। अक्सर हम आंखों से भले ही न सोए हो पर मन से विचारों से सो जाते हैं, तो और मन द्वारा और विचारों द्वारा हमें जागना हो तो जागने के लिए कथा आश्रय देती है। देखो दो लोग सोए हैं और साइड वाला बाजू